वेलकम हीलिंग पर्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है फुल मून इन एक्वेरियस के बारे में कि किस तरह से रहेंगी इसकी एनर्जीज। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए इंट्रो रहेगा और रहेगी पिकअप कार्ड रीडिंग। दो ऑप्शन रहेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि इंट्रो सुन लीजिएगा, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा ही है, लेकिन कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगी। हमेशा की तरह ही पॉजिटिव एनर्जीज का वेलकम है और नेगेटिविटी का, नेगेटिव थॉट पैटर्न का, नेगेटिव वाइब्स का यहाँ पर कोई काम नहीं है। ना ही हम उसके लिए ओपन है, ना ही हम उसके लिए वेलकमिंग है। तो हमेशा की तरह ही अपनी एनर्जीज को क्लीन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इस एनर्जीज के बारे में जानते हैं। तो फुल मून इन एक्वेरियस की एनर्जीज, जो सन है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी ईगो को, आपके सेल्फ को, और जो मून है वो रिप्रेजेंट करता है आपके इमोशंस को, आपके चाइल्डहुड्स को, या फिर आप अपनी जीवन को कैसा देखते हैं इमोशंस के तौर पे, इमोशनली कैसे देखते हैं, कैसे नर्चर कर रहे हैं उसके बारे में। ये फुल मून है आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी जब आप अपनी लाइफ में, अपने इमोशंस में कहाँ जा रहे हैं और किस तरफ पहुँच रहे हैं उसकी तरफ फोकस कर सकते हैं, यानी कि अपनी लाइफ में एक अलाइनमेंट लेकर आ सकते हैं। ये अलाइनमेंट आपके लिए इसलिए जरूरी है, या फिर अपने इमोशंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करना आपके लिए इसलिए जरूरी रहेगा, क्योंकि बहुत समय से शायद आप अपने रियल इमोशंस को नहीं देख रहे हैं और अपनी ईगो की साइड से काम कर रहे हैं। अगर आप अपनी ईगो की साइड से काम कर रहे हैं या फिर आप कुछ ऐसे कामों को कर रहे हैं जिससे कि आपका ईगो सेटिस्फाइड होता है, तो ये फुल मून, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए कि इस फुल मून पे आप उन चीजों को रिलीज करें जो कि आपको स्टक करती हैं या स्टक बनाती हैं। ऐसे इमोशंस, ऐसे साइकिल, ऐसी कोई भी चीजें जो कि आपसे ये कहती हैं कि आप चेंज नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब अगेन, ये किसी के बुरा करने के बारे में नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी का बुरा करके आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप यूनिवर्स के साथ रिदम में नहीं है, आप डिवाइन के साथ कहीं भी बैलेंस में नहीं है। ये एक रियलिटी है, ये एक सच्चाई है। जितनी जल्दी आप इस चीज को समझ लेंगे, उतना ही जल्दी आप सही रास्ते पे होंगे और उतना ही कम नुकसान आपका अपनी लाइफ में होगा। क्योंकि जो ईगो है, अगर वो बड़ा होता है या फिर आप अपनी ईगो की साइड से, ऑब्सेशन की साइड से काम करते हैं, तो लाइफ आपको बताती तो रहती है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। डिवाइन आपको संकेत देता रहता है कि अब रुक जाओ, पर हम रुकना चूज नहीं करते। तो ये लास्ट मौका है आपके लिए, अगर आप रुकना चूज करना चाहते हैं तो आपके लिए इस चीज को समझना जरूरी रहेगा कि अगर आपको ये लगता है कि हम किसी चीज को बदल नहीं सकते, यानी कि अभी तक आपके लाइफ में ऐसा साइकिल चल रहा है जहां पर आप अपनी रियलिटीज को नहीं देख रहे थे, तो अब आपको अपनी उस लिमिटेड सोच से बाहर आ जाना चाहिए, या फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने आप को लिमिटलेस बनाएं और एक ही जगह, एक ही पहलू या एक ही सोच के साथ स्टक ना रहें। यानी कि अगर आपकी मानसिकता में ये है कि ऐसा ही होना चाहिए या इस तरह से ही आप कर सकते हैं चीजों को, तो इस सोच से आपको बाहर निकलकर अपने जीवन की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि ये जो फुल मून है, ये पूरी तरह से आपके लिए है कि आप अपने इमोशंस को लेकर क्या सोचते हैं, या किस तरह से आप उनको डील करते हैं, या आप उनको लेकर क्या कर रहे हैं। आपके इमोशंस कहाँ से आते हैं? आपकी ईगो सेल्फ से आते हैं, आपके प्राइड से आते हैं, या फिर आपके अहंकार से आते हैं? ये ईगो कहाँ से आता है? ये हेल्दी ईगो है आपका, जो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, या ये ऑब्सेशन वाला ईगो है आपका, जो कि आपको लाइफ में ये कहता है कि नहीं, मुझे किसी को गिराकर ही आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आपको इस चीज को चेक करना होगा कि आप किस तरह की ईगो के अंदर हैं, या फिर आप किस तरह से चीजों को कर रहे हैं। आपके लिए जरूरी है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखें। यानी कि देखिए, जब हम फॉल्स ईगो में होते हैं या फिर हम किसी ऑब्सेशन की जगह पे होते हैं, किसी चीज को हम बार बार मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है ओवर हो जाता है, या फिर हम प्रिटेंड करने लगते हैं कि हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, जबकि अंदर ही अंदर हमें ये पता होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पीरियड में? आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है, किसी के लिए भी, कि अब अपनी उस जगह से बाहर आते हुए, सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए, आप अपनी लाइफ में चेंजेस करें, एक हेल्दी जगह से आए, हेल्दी इमोशन से आए, हीलिंग की जगह से आए, जहां पर आप खुद को हील कर रहे हैं, जहां पर आप अपने इमोशंस को हील कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज में डिफरेंट हैं, तो आपको अपनी उस डिफरेंट चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। यानी कि अगर आपको ये लगता है कि आप दुनिया से अलग हैं, या फिर आप में कोई अलग क्वालिटी है, या अलग आपकी कोई इस तरह की पहचान हो सकती है, तो आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। आपको क्या चीज डिफरेंट बनाती है लोगों से, उसकी तरफ आपको सोचना चाहिए। किसी के साथ कंपैरिजन करना या फिर किसी के जैसे बनना, ये संभव नहीं है। कोई किसी के जैसे नहीं हो सकता। आप भी एक यूनिक पर्सन है, हर सोल अपने आप में एक यूनिक है।
ईश्वर ने सबको यूनिक बनाया है और सब में एक एक ऐसी क्वालिटी जरूर दी है जो कि उसको बढ़ानी होती है, जिसको उसने बनाना होता है। तो आप किस क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं, ये आपको देखना होगा। आपके लिए जो ये फुल मून है, डेफिनेटली बहुत सारे पिछले काफी लॉन्ग टाइम से हैवी चेंजेस लेकर आ रहा है, लोगों की लाइफ में टावर मूवमेंट लेकर आ रहा है। कुछ आपके सामने इस तरह के सीक्रेट्स आ रहे होंगे या फिर आएंगे आने वाले समय में भी, जहां पर आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या चीजें अभी तक आपसे छुपी हुई थी या क्या क्या चीजें अभी तक आपको नहीं पता थी। तो सब चीजों के लिए तैयार रहिए, ये फुल मून थोड़ा हैवी थीम लेकर आया है। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं या आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, आपके साथ भी कोई गलत कर रहा है, क्योंकि वैसे भी जो सैटर्न है वो रेट्रोग्रेड है। तो इस टाइम पीरियड में अगर आप किसी के साथ में कुछ बुरा कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह कोई आपके साथ भी सेम चीज कर रहा है। तो इसलिए इस चीज से बिल्कुल भी ये नहीं सोचिएगा कि आप अगर किसी का बुरा कर रहे हैं तो अरे मेरे साथ बुरा हो रहा है। तो अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो वैसे भी रेट्रोग्रेड सैटर्न है, वो कहीं ना कहीं आपको उन चीजों को रियलाइज करवाएगा कि आप कहाँ पे गलत थे या फिर आप कहाँ पे क्या गलत कर रहे थे। इसका असर और भी ज्यादा रहेगा क्योंकि ये फुल मून जो है लास्ट फुल मून है, ये लास्ट चांस है आपके पास में अपनी गलतियों को सुधारने का या फिर अपनी चीजों को सही बनाने का। अगर आपको लगता है कि आप अपने किसी पैटर्न को देखना नहीं चाहते या फिर आप किसी एक ही जगह से काम करना चाहते हैं कि कंफर्ट जोन से काम करना चाहते हैं, तो फिर वहां से आपको अपने आप को फिर चेंज करना होगा, यानी कि आपको तैयार रहना होगा हर चीज को चेंज करने के लिए। आपको जो सबसे बड़ी चीज समझ में आएगी इस फुल मून के अंदर या कुछ समय बीतने के बाद में अपने जीवन में, ये चीज आपको समझ में आएगी कि आप किसी लिमिटेड जगह या लिमिटेड सोर्स से काम कर रहे थे, यानी कि ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए, आपके हिसाब से ही होनी चाहिए, या दूसरों को आपके हिसाब से जीना चाहिए, आपके हिसाब से चलना चाहिए, या आप सिचुएशंस को लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आप चीजों को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ऐसा जो कि आप करने की कोशिश कर रहे थे और उसमें आप विफल हो रहे थे या फिर आप विफल होंगे। इनकी जिस भी चीज में आप किसी एक धरने के साथ काम कर रहे हैं और आप बदलाव के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो आपके इमोशंस हैं, आपकी चीजें हैं, आपकी बातें हैं, आपकी सोच है, जो कुछ भी है आपका जिसमें आप बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है, आप चेंजेस लाने के लिए तैयार नहीं है, आप मूवमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, वहां पर आपको ये चीज रियलाइज होगी आने वाले वक्त में कि आपसे गलती हुई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ये समय है आपको अपने आप को देखने का, अपने आप को बेहतर बनाने का, अपनी इनर हीलिंग होने देने का। अगर आपके साथ के लोग ऐसे हैं जो कि आपको इस चीज के लिए प्रवोक नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी हीलिंग कीजिए, आप अपने आप को सही कीजिए, आप आगे बढ़िए, तो डेफिनेटली आप किसी गलत संगत में हैं। अगर आपके लोग आपको ये कह रहे हैं, आपके साथ के लोग, कि अगर आप कोई गलत स्टेप उठा रहे हैं वो आप सही उठा रहे हैं, आप अपना बुरा कर रहे हैं, लोगों का बुरा कर रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं, डेफिनेटली आप किसी गलत संगत के अंदर हैं। यानी कि आपके लिए कोई थर्ड पार्टी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कि आपका भला भी नहीं चाहती। ये ऐसी ही एनर्जीज हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम पीरियड में सभी लोगों को ऐसा लग सकता है कि वो रुके हुए हैं, स्टैग्नेशन वाली एनर्जीज हैं, टेंशन वाली एनर्जीज हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज हैं और आगे भी अब आपको महसूस होंगी। तो आपको उन चीजों को छोड़ना है और उन चीजों को तोड़ना है जो कि आपके रास्ते का बाधा बन रही है। ये आपकी खुद की सोच है, अगेन ये आपकी खुद की सोच है जो आपके रास्ते का बाधा बन रही है। तो आपके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी सोच से आती हैं, आपके माइंडसेट से आती हैं, उसको आपको इसमें चेंज करना होगा। क्योंकि अगेन अगर आप ईगो सेल्फ से काम कर रहे हैं तो ये चीजें आपको सपोर्ट नहीं करेंगी। अगर आप हेल्दी ईगो से हैं, अगर आप हेल्दी ईगो की जगह से हैं और आपको ये लगता है कि हाँ मुझे अपनी हीलिंग करनी है, मुझे अपनी ग्रोथ करनी है, मुझे आगे बढ़ना है और उस बढ़ने के लिए मुझे अपने लिए अपॉर्चुनिटीज देखनी है। देखिए अपॉर्चुनिटी अपने लिए बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अवसरवादी होना अच्छी बात नहीं है, दूसरों का नुकसान करना अच्छी बात नहीं है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। ये एक ऐसी रियलिटी है कि अगर आपको किसी को तकलीफ देकर खुद दर्द महसूस नहीं होता या किसी के दर्द से आपको दर्द नहीं होता तो इंसानियत फिर नहीं रहती है। तो आपको ये देखना होगा कि आप किस जगह से अपनी चीजों को लेके चल रहे हैं। अगेन शनि एक्टिव हैं और देख रहे हैं, आने वाले टाइम में भी रहेंगे, बहुत सारे जो कंजक्शन है प्लैनेटरी वो हो रहे हैं। यूनिवर्स की कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं होती हैं, हर चीज एक टाइमिंग होता है और हमको डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना पड़ता है। यूनिवर्स हमेशा आपको सपोर्ट करता है, डिवाइन टीम आपकी हमेशा सपोर्ट करती है। आप कहीं स्टक हो सकते हैं, आपकी एनर्जीज कहीं रुकी हुई हो सकती हैं, लेकिन अगर आप सही पाथ पे हैं, सही रास्ते पे हैं, तो आपको रियलिटीज भी दिखाई जाएंगी, आपको सच्चाई बताकर आपको आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाया जाएगा और आपको प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है, यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता कि आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं और आप करते जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि पिछले काफी टाइम से यूनिवर्स में हैं और लोग भी इस तरह की चीजें कर रहे हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं इस तरह की चीजों में।
तो मुझे बस आपसे आप लोगों से यही कहना है कि अगर आप अपनी ईगो सेल्फ से काम कर रहे हैं इस फुल मून के टाइम पे, तो कोशिश कीजिए कि आप उसको छोड़ दें और अपने लिए एक हेल्दी ईगो की जगह से आएं, जहां पर आप अपनी लाइफ में अपने लिए एक अंदर से हीलिंग करते हुए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो आपको लॉन्ग टाइम में एक अच्छे रिजल्ट देगा। ये जो भी रिजल्ट आएंगे आपके कर्मास के, आपके व्यवहारों के, आपकी चॉइसिस के, आपके डिसीजंस के, आपकी ईगो के, ये जो भी रिजल्ट आपके लिए आएंगे, ये सारे रिजल्ट आपको नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स तक बहुत अच्छे पड़ेंगे या महंगे पड़ेंगे, ये तो बताएगा आपका कर्मा कि आपके कर्मास कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है, आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, किस तरह की सोच रख रहे हैं। लास्ट 5 ईयर में अगर आपके साथ में कुछ भी बुरा हुआ है तो वो चीज़ें भी यहाँ पे रिवील होंगी और साथ ही साथ हो भी रही होंगी और होंगी भी, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। इससे बहुत कुछ चीज़ें चेंज करने का मौका मिल सकता है आपको, अगर आप सही तरह से सही जगह से अपने लिए कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगेन, अगर अभी भी आप अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं, लोगों के लिए सोच रहे हैं, लोगों की वजह से सोच रहे हैं, यानी कि अगर आपकी सोच में आपकी लाइफ नहीं आती है, आपकी वेलबींग नहीं आती है, आपकी मेंटल हेल्थ नहीं आती है, आपकी इमोशनल हेल्थ नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलती हो रही है, उसको देखने का वक्त है। और अगेन वही बात है कि अगर आप किसी का बुरा करके अपना अच्छा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा, यूनिवर्स ऐसे ही चलता है। ये आप बुरा नहीं माना करिए इस बात का कि मैं ये कहती हूँ कि आपके साथ आपको ये चीज़ें देखनी होंगी या इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ में हो सकती हैं। देखिए, ये ना एक यूनिवर्सल चीज़ें हैं कि अगर आप कुछ जो एनर्जी आप बाहर देते हैं, ये समझने की चीज़ें जिनको जो पहली बार देख रहे हैं अगर बाई चांस किसी टैरो कार्ड रीडिंग को, आप या यूनिवर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको क्या देगा। आप यूनिवर्स में आप हमेशा रो रहे हैं, आप हमेशा कंप्लेंट कर रहे हैं, या फिर आप अपने हाथ में सब चीज़ों का कंट्रोल ले रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, मेरी तरह से ही होना चाहिए, तो यूनिवर्स ये कहेगा कि ठीक है, लेकिन उसके लिए आप क्या एफर्ट कर रहे हैं। अब आपके उस एफर्ट करने में किसी का बुरा करना आता है कि इसका बुरा करके मुझे अपना अच्छा करना है, इसको नीचे गिरा के मुझे ऊपर उठना है, यूनिवर्स वो भी तो देख रहा है। अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं या आपकी लाइफ में कोई कुछ, अगर आप किसी की लाइफ में कुछ बुरा क्रिएट कर रहे हैं, किसी का नुकसान कर रहे हैं, तो हमें पता है, हमने देखा है, ये अनुभव में है चीज़ें, कि आप अगर किसी का नुकसान कर रहे हैं, किसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, किसी के ऊपर आप कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा बुरा कुछ भी, तो वो आपको दिखाई देता है, वो वापस आता है। कर्मा की थ्योरी कहाँ से आई है? और यहीं से तो आई है, आपको वही चीज़ें मिलती हैं जो आप यूनिवर्स में देते हैं। तो और यूनिवर्स जितनी इंटेंसिटी आपकी हाई होती है, यानी कि देखिए, अक्सर लोग जब अच्छे काम करते हैं ना, उनकी इंटेंसिटी हाई नहीं होती, लेकिन जब वो कोई बुरे काम कर रहे होते हैं, गलत काम कर रहे होते हैं, कोई इस तरह का काम कर रहे होते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, उनकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, और यूनिवर्स आपको आपकी इंटेंसिटी के हिसाब से ही वापस करता है। जितनी हाई आपकी इंटेंसिटी होगी, यूनिवर्स आपको उतना ही वापस पे करेगा। अगर आपकी बुरा करने में इंटेंसिटी हाई है तो उतना ही ज़्यादा आपको उसमें सफ़र करना पड़ेगा, अगर अच्छा करने में आपकी इंटेंसिटी हाई है तो उतना ही ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा। चॉइस हमारी रहती है, यूनिवर्स हमें हमेशा बताता है कि क्या गलत है और क्या सही है। इस टाइम पीरियड में ये फुल मून आपको लास्ट चांस दे रहा है। ये लास्ट चांस मैं क्यों कह रही हूँ? लास्ट चांस इसलिए है क्योंकि ये लास्ट सुपर फुल मून है, इसके बाद में सुपर फुल मून नहीं आएंगे, नेक्स्ट ईयर में आएंगे। वैसे हर साल ही आते हैं 3-4, लेकिन आपको इस चीज को समझना ही होगा अगर अभी तक आप समझे नहीं है, वरना जब लाइफ समझाती है तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो लास्ट सुपर मून है, अगर अभी तक आपसे कुछ गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को सुधार लीजिए। किसी एडिक्शन का शिकार हो गए हैं तो उससे पीछे हटिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आप की केयर कीजिए, लोगों पे अपनी लाइफ का जो दोष है लोगों पे डालना बंद करके अपनी लाइफ को संभालने की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होती है। हम लोगों से ये नहीं कह सकते कि इसने हमारी लाइफ खराब की, उसने हमारी लाइफ खराब की, हमने अपनी लाइफ के साथ क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो होप कि इससे आपको कोई मदद मिले, और आप रिचुअल के लिए यही कर सकते हैं, आपके स्पेस में जो भी क्लटर है उसको आप डीक्लटर करें, मेंटल इमोशनल हेल्थ का अपनी ख्याल रखें, साथ ही साथ मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिएगा, डांस कर सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं, और जो भी आपके ऊपर आपके इमोशनल बैगेजेस हैं उनको रिलीज करने की कोशिश कीजिएगा। एक लेटर लिख के यूनिवर्स में रिलीज कीजिए, नहीं तो कहीं पे आप रिकॉर्ड करके उसे डिलीट कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा कीजिए जो कि आपके एनर्जीज को क्लीन करने में, आपके इमोशनल बैगेजेस को हील करने में, और लाइफ में पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने में आपकी मदद करे। वैसे भी यहाँ पे कार्ड है रेनबो और फ्यूचर का, ये है आपके 26 नंबर का कार्ड और ये है 11 नंबर का कार्ड, तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से कोई सा भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं। हम रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन 1 के साथ में। रेनबो का कार्ड है आपके लिए ऑप्शन 1। ये कार्ड कहता है कि देयर इज रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो कभी कभी हमें अंधेरा लगता है, हमें रास्ता समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्लाउड्स के पीछे रेनबो होता है, कलर होते हैं, इसलिए अपने आप को निराश नहीं करना चाहिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का।
यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, बहुत ही ज्यादा फायरी एनर्जीज एरिस लियो सेजिटेरियस, और यहाँ पे है क्लैरिटी एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप लोगों को बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना है, किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, और मिल चुकी होगी क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी न्यू मून या फुल मून होते हैं उनके असर पहले से ही शुरू हो जाते हैं। तो क्लैरिटी आपको मिल रही होगी, आपको पता होगा कि आप किस रास्ते पे चल रहे हैं। नहीं पता है तो ये फुल मून आपको बताएगा कि आप किस रास्ते पे चल रहे हैं। आप अभी तक किसी ऐसी चीज की तरफ बढ़ रहे थे या फिर आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि आप कहाँ, आपको कहाँ बढ़ना चाहिए, लेकिन उस जगह से आपको अपना रास्ता क्लियर होगा, अपनी विशेष को पूरा करने के लिए आप आगे की तरफ डेफिनेटली बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि आप किसी ना किसी या तो फियर के जोन में हैं, यानी कि आप दुनिया को तो ये दिखा रहे हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इंटरनली बहुत ज़्यादा फियर के अंदर हैं, और उसकी वजह से आपको ये डर लग रहा है कि आपकी सिचुएशन ठीक कभी होगी कि नहीं होगी, या फिर लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी, या फिर लाइफ में कुछ अच्छा आपके आएगा कि नहीं आएगा। फोर ऑफ सोर्ट्स अगेंस्ट है, ये स्टक और सैड एनर्जीज की बात भी करता है, सैड मुँह से निकल ही रहा था। तो जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ वो मुझे ये बता रहा है आपके लिए कि आपके लिए अपनी लाइफ में अपनी ग्राउंड पे स्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है और बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी की बात है, यानी कि आपका पैशन किस जगह पे आप लगा रहे हैं, सही जगह पे हैं या आप नहीं है, इसको आपको देखना होगा। अभी तक आप शायद बहुत ज़्यादा स्टक जोन में थे या एक ही किसी ऐसी जगह से सोच रहे थे, काम कर रहे थे, और लिमिटेड जोन से आप सोच रहे थे। इस अनलिमिटेड जोन में जाने के लिए आपको अपनी रियल वर्थ को पहचानना होगा, और आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपने विजन को क्लियर करें। ये आपका विजन क्लियर होगा क्योंकि यहाँ पे जिस तरह के कार्ड हैं वो क्लियरली ये बता रहे हैं कि आपके पास विजडम और क्लैरिटी दोनों ही है, और आप उस चीज का सहारा लेकर या उस चीज की वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। आप शायद अपनी स्पिरिचुअल टीम की भी अभी तक उतनी ज्यादा नहीं सुन पा रहे थे, जिसकी वजह से आपको गाइडेंस नहीं मिल रही थी, लेकिन शायद अब आप आगे बढ़ते हुए अपनी स्पिरिचुअल टीम की सुनना पसंद करेंगे, चूज करेंगे, और अपनी खुशियों की तरफ आप फोकस करेंगे। ये जब हम ऑब्सेशन में चले जाते हैं ना किसी चीज को लेकर, तो हमारे लिए नाइन ऑफ कप्स की जो एनर्जीज होती हैं, यानी कि हमारे लिए जो विशेष की एनर्जीज होती हैं, वही हमारे लिए स्टक होने का कारण बन जाती हैं। तो क्या आप किसी ऐसी चीज के लिए तो विश नहीं कर रहे हैं जो कि आपके लिए ऑब्सेशन का कारण बन रही है, और जो कि आपकी ग्रोथ नहीं होने दे रही, आपको डाउन कर रही है, और लगातार आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लूज कर रही है? यहाँ पर इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। अगेन, अगर आपको ये लगता है कि आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तो आपको रास्ता दिखाई देगा इन सारी चीजों से बाहर निकलने का, क्योंकि ये जो फुल मून है ये आपको पूरा मौका देगा कि आप सही चीजों की तरफ फोकस कर सकें, या फिर आप अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस कर सकें। अगर आप फाइनेंशियली स्टक थे तो उस जोन से भी आप बाहर आएंगे और आप अपनी वर्थ को पहचानेंगे, और अगर आपको ये लगता था कि आपके लिए चीजें बदलेंगी नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ चीजें बदल रही हैं, जो कि मैं देख पा रही हूँ। स्टकनेस की एनर्जीज बहुत हैं, ये दोनों कार्ड बहुत ही स्टक एनर्जीज की बात करते हैं, और ये कार्ड भी बहुत स्टक एनर्जीज की बात करता है। मुझे लगता है नॉलेज और विजडम की आपके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी कारणवश या किन्हीं कारणों के चलते हुए आप अपनी सिचुएशन को उतना क्लियरली देख नहीं पा रहे थे। किसी तरह का डर मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफ की खुशियों की तरफ फोकस करें, और ये फुल मून आपको इसी चीज के लिए प्रेरित कर रहा है। अपने काम की तरफ आपको फोकस करना चाहिए। आप शायद अपनी अंदर की विशेष को पूरा करने के लिए, या फिर आप अपनी खुशियों की तरफ इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ मामलों में आप आराम तलब भी हो सकते हैं, कुछ मामलों में आपके अंदर जो ये लेजीनेस आ रही है ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस दे रही है, यानी कि आप किसी चीज में ओवर कर रहे हैं, उस ओवर को आपको रोकना चाहिए। यहाँ पर ये जो एनर्जीज हैं ये क्लियरली आपके लीड करने की बात करती हैं, यानी कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं और लोगों को लीड कर सकते हैं, तो उस जगह पर आपको स्टक नहीं रहना है कि लोग ग्रोथ कर सकें, आप उस ग्रोथ के लिए यहाँ पर हैं, आप अपनी ग्रोथ के लिए यहाँ पर हैं, आप एक क्लैरिटी के लिए यहाँ पर हैं, आपके पास पूरा विजडम है, इसलिए ये फुल मून आपको इसी चीज के लिए गाइड कर रहा है कि आप अपने विजडम के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। बेशक अभी आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई देगा, तो भी आपको ये कॉन्फिडेंस रखना है कि आपके लिए चीजें ठीक हो जाएंगी। ये कार्ड के साथ मैंने आपको स्टोरी बताई ही थी पहले भी कि फोर ऑफ पॉइंट्स के कार्ड में ये जो पक्षी है, एक डेविल होता है या राक्षस कह लीजिए होता है, इसी टाइप की स्टोरी है ये, कुछ होता है तो ये इस लड़की को कैद करके रखना चाहता है, और ये लड़की अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। ये एक फोक स्टोरीज का हिस्सा है और ये इसको अपने अंडर ही कैद करना चाहता है, ये इसको बहाने से बुलाता है और कैद कर लेता है और इसको स्टक कर लेता है। लेकिन अगेन, अगर आप किसी ऐसी जगह ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आपको लगता है कि आप स्टक हैं या आपको कोई स्टक करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको क्लैरिटी से चीजों को देखना है और आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। ये कार्ड भी यही कहता है कि एक लिमिटेड जोन से अगर आप सोच रहे हैं तो उस जोन से बाहर निकल कर आपको सोचना है। वैसे मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि आप एक लिमिटेड जोन से सोच रहे हैं, आप बहुत समय से एक लिमिटेड जोन में थे और आप एक अनलिमिटेड जोन में अब जा रहे हैं।
ये आपके लिए डेस्टिनी वाली एनर्जीज हैं, यानी कि अगर आप अपनी डेस्टिनी को यहाँ पे पाना चाहते हैं तो वो चीजें आपके लिए जरूर होंगी। जो कुछ भी आप अपनी डेस्टिनी में क्रिएट करना चाहते हैं उसमें एफर्ट लगता है, क्योंकि वांट्स के कार्ड हैं। वांट्स के कार्ड जब भी आते हैं ये कहते हैं कि आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपके लिए आपकी दिशा क्लियर होनी चाहिए। ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है आप सब लोगों के लिए अपने वर्क पे फोकस करने का, अपने कैरियर को अच्छा बनाने का और अपनी लाइफ में उस कैरियर के द्वारा अच्छा क्रिएट करने का। अगर आप लाइन ग्रेड पोर्टल को पार कर चुके हैं और आप अपनी टीम के साथ अलाइनमेंट के अंदर हैं तो आपकी टीम आपको लगातार गाइड करेगी स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए और अपनी ग्रोथ करने के लिए। अगेन, अगर आप खुद किसी ऐसी चीज को लेकर बैठे हैं जो कि आपकी ग्रोथ नहीं होने देती है तो आपको यही कोशिश करनी है कि आप किसी ऑब्सेशन की जगह से ना आ रहे हों, अपनी हीलिंग होने देनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लिए जीवन में नई चीजों को चुनाव करना है क्योंकि आपका कैरियर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके लिए फूल का कार्ड है यहाँ पे, तो फूल की जर्नी में ये इंपॉर्टेंट है कि आप रिस्क तो लें, लेकिन आप अगर रिस्क बहुत ज्यादा ले रहे हैं या फिर आप किसी चीज को अगेन ओवर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो ये फिर आपके लिए खुद के लिए रिस्क हो जाता है, क्योंकि फूल आगे तो बढ़ता है लेकिन फूल नीचे भी गिर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बिट्रेल की एनर्जीज हैं यहाँ पे, तो अगेन अगर आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो कोई आपके साथ भी ये चीजें क्रिएट कर रहा हो सकता है। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स का, तो आपको अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए या फिर आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए कामों को करना चाहिए कि आपका भविष्य उससे क्या बना रहा है, आपका प्रेजेंट, आपका पास्ट क्या चल रहा है, उससे क्या बन रहा है। तो अपनी पोटेंशियल में आने के लिए जरूरी है कि आप एक बैलेंस जगह से आए और आप किसी ऐसी चीज को लेके, पता नहीं बहुत ऑब्सेशन वाली एनर्जीज आ रही है मुझे यहाँ पे, वाइब्रेशन ऑब्सेशन में ना रहते हुए आपको कुछ कामों को करना है। ओके, फोर ऑफ वांड्स का कार्ड है, आप लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए। अगेन ये देखिए, दो डिफरेंट कलर के लोग हैं, है ना, अलग अलग रंगों के लोग हैं। कई बार हमारा पार्टनर हमसे बहुत डिफरेंट होता है, कई बार उसकी सोच हमसे बहुत डिफरेंट होती है, तो लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के साथ में एक अलाइनमेंट के अंदर नहीं है और आप एक मैरिड पर्सन है यहाँ पे, तो आपको उसके साथ अलाइनमेंट में जाना चाहिए, आपको उसके अंदर भी प्यार करने की वजह मिल जाएगी, उससे भी प्यार करने की वजह मिल जाएगी। लेकिन साथ ही साथ ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको अपने जो डिफरेंसेस हैं उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अगेन सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, अगर आप खुद किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं तो आपके साथ जो भी धोखा हुआ है एक तो वो रिवील होगा यहाँ पे, और साथ ही साथ आपके लिए भी पेनफुल सिचुएशन रह सकती है। अगर आप किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं वो इंसान आपको धोखा दे सकता है या दे रहा है। टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड डेफिनेटली आप सबको पता है बहुत ज्यादा धोखे की बात करता है, सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी धोखे की बात करता है, किसी ऐसे इंसान पर ट्रस्ट नहीं कीजिएगा जो कि आपको धोखा दे रहा है। ऑलरेडी ऑब्सेशन की एनर्जीज बहुत हैं, कहीं आप किसी ऐसी चीज में तो ट्रैप नहीं है जहां पर आपको कोई सपना दिखाया गया है और आपको कोई अच्छा बनकर धोखा दे रहा है, यानी कि पहले कोई आपको मुसीबत में डाल रहा है और उसके बाद उसी मुसीबत से निकलने के लिए वो आपको अपना हेल्पिंग हैंड दे रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ऐसी चीजें भी हैं यूनिवर्स के अंदर, ये एनर्जीज भी हैं यूनिवर्स के अंदर। फाइव ऑफ कॉइंस की एनर्जीज, तो अगेन अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है ध्यान रखिएगा, जो इंसान आपको फाइनेंशियली हेल्प करना चाहता है कहीं उसी ने तो आपको फाइनेंशियल मुसीबत में नहीं डाला। ये कार्ड है टेन ऑफ वॉन्ट्स का और ये कार्ड आपसे बात करता है पेनफुल साइकिल के एंड होने की। देखिए आपकी सिचुएशन में क्या है कि जो भी एनर्जीज है ना, ये क्लियरली एक तो इसके अंदर बहुत स्ट्रांगली एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं धोखे की, बिट्रेल की और स्टक होने की। तो अगर आपके साथ में कोई धोखा या स्टकनेस वाली एनर्जीज नहीं हुई है तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं, और अगर आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है या खुद आपने किसी के साथ ऐसा किया है, ये चैप्टर क्लोज करने का टाइम पीरियड है, इस चैप्टर से बाहर निकलने का टाइम पीरियड है और इसको हमेशा हमेशा के लिए कहीं छोड़ देने का टाइम पीरियड है। तो अब आप क्या चूज कर रहे हैं अपने लिए, ये टोटली आपके ऊपर ये डिपेंड करने वाला है। सोच समझ के चूज कीजिएगा, आप अपने लिए जो भी चॉइसेस बनाएंगे ये आने वाले 15-20 सालों के लिए आपके ऊपर इफेक्ट डालेंगे। मैंने बहुत समय पहले भी आप लोगों को बताई थी ये बात, ये क्यों डालेंगी, ये इसलिए डालेंगी क्योंकि जो लोग भी इस टाइम पीरियड में पॉजिटिव रहना चूज नहीं कर रहे, पॉजिटिविटी के साथ आगे नहीं बढ़ रहे, कहीं ना कहीं उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला पीरियड शुरू होगा, और जब वो पीरियड शुरू होता है वो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, टावर मूवमेंट लेकर आता है और हमें कहीं ना कहीं बहुत अकेला कर जाता है। जरूर देखिएगा, चूज लाइफ कलर, यू कैन आइदर पेंट अ डार्क पिक्चर ऑफ लाइफ और चूज अ ब्राइटर हैप्पियर पैलेट। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा है, ये कार्ड कहता है कि आप चाहें तो कलर चूज कर सकते हैं डार्क पिक्चर बनाने के लिए, आप चाहें तो ब्राइटर और हैप्पियर पैलेट चूज कर सकते हैं। किसी की खुशियों को छीनने से नहीं चीजें मिलती हैं, जब हमें खुशियां, किसी की खुशियों को छीनने से हमारी खुशियां नहीं बनती हैं, हमारी खुशियां बनती हैं जॉय से, ग्रेटिट्यूड से, लव की फीलिंग से।
हमें अपने आप को ही सुंदर बनाना होता है, हमें अपने अंदर से ये चीजें क्रिएट करनी होती हैं। तो आपके लिए जरूरी है, आपके लिए ऑलरेडी रेनबो का यहाँ पे कार्ड है, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है चूज लाइफ कलर का, फाइंडिंग यूर वे, आगे बढ़ते जाइए। अगर आपको लगता है कि अभी आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आगे भी नहीं आएगा, आने वाले समय में आपके लिए चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए किसी जगह में अगर आप अंदर ही अंदर बहुत डर रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, आपको ये देखना चाहिए, अगर कोई रिश्ता छूट गया है ओके है, अगर कोई जॉब छूट गई है ओके है, अगर कोई चीजें, कोई बिजनेस खराब हो गया है ओके है, परेशानी है, तकलीफ है, ठीक है, अब आगे क्या करना है लाइफ में, उसको हमें अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है। किसी ने साथ छोड़ दिया है, किसी ने कोई रिश्ता छोड़ दिया है, कोई रिश्ते चीज़ें छूट चुकी हैं, हम कितनी देर तक उन चीज़ों को लेकर बैठ सकते हैं? हम उन चीज़ों को लेकर नहीं बैठ सकते और ना ही हमें लेकर बैठना चाहिए। उससे हम स्टक हो जाते हैं और स्टक होने से हम अपनी खुशियों तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि कुछ जर्नीज हमारी अकेले की होती हैं, हमें उसमें अकेले ही आगे बढ़ना होता है। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, तो अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, अगर अभी तक आपकी स्पिरिचुअल टीम की आप नहीं सुन रहे थे, अब आप उनकी सुनेंगे भी और आपकी ग्रोथ भी होगी। बैलेंस बिटवीन 3D एंड 5D बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड करने वाली एनर्जीज हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना होगा अपनी एनर्जीज को, या फिर आपको कर लेना चाहिए रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व टू यू। मैं तो आपसे पहले ही कहा है, आपको उन चीजों को रिलीज कर देना चाहिए जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं। डील विद योर डार्क साइड फियर्स, मैंने आपको पहले ही बोला है, ये तो स्ट्रक एनर्जीज के अंदर आ ही रहा है आपकी। ओके, लाइफ बिगेंस एट द एंड ऑफ योर कम्फर्ट जोन, थीम ही यही है, पूरे फुल मून की थीम ही यही है कि अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर किसी सिचुएशन, किसी इमोशन में रहते हुए आप एक कम्फर्ट जोन में चले गए हैं ना, और उसी को जीना पसंद करते हैं, उसे बाहर निकलने का टाइम है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि आपकी कंपनी क्या है, आप किस तरह के लोगों में जी रहे हैं। द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन, डेफिनेटली आपका प्रोसेस सही दिशा में चल रहा है या आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच कीजिए अपनी लाइफ को लेकर, और ये ध्यान रखिए कि अगर आप कुछ चीज़ों को सही तरीके से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो किससे राय ले रहे हैं, और कोशिश कीजिए कि आप अकेले ना रहें, यानी कि आप अच्छी कंपनी में रहें, अच्छे लोगों के साथ में रहें, अच्छी हैबिट्स को, अच्छी बातों को चूज करें, और अपने ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी को या नेगेटिव बातों को हावी ना होने दें। अच्छा नहीं लगता है तो घर से थोड़ा बाहर जाइए, एंजॉय कीजिए, डांस कीजिए, और अपनी अपनी सोच को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी सोच बदलेगी तभी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलेगा। बहुत सारी क्लैरिटी आपको आपकी सिचुएशन के बारे में है और मिल भी रही है और मिलेगी भी, लेकिन उसमें आपको उन चीज़ों को रिलीज करना है जो आपको सर्व नहीं करती, आपके फियर की साइड से, आपके कम्फर्ट जोन की साइड से। और होप कि इससे आपको मदद मिले, मदद मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो, आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मेरी इस बात को, और कोशिश कीजिएगा कि लाइफ में आप वो चॉइसेस करें जो कि आपको बेहतर बना सकती हैं। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने कार्ड चुना है फ्यूचर का, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है पास्ट को छोड़ना है, पास्ट में ही और आगे बढ़ जाना है। अगेन, अगर आप पास्ट को अपने फ्यूचर में लाना चाहते हैं तो उससे बहुत कुछ चीजें आपकी खराब हो सकती हैं, याद रखिएगा मेरी इस बात को। जब हमारा पास्ट किसी कारणवश पास्ट में रह जाता है तो उसका वहीं रहना ही इम्पोर्टेंट होता है, उसको बार बार फ्यूचर में लाने की गलतियां नहीं करते। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिन्होंने आपको पास्ट की एनर्जीज में स्टक रखा है, लेकिन अब शायद ये वक्त आ चुका है कि आप अपने फ्यूचर की तरफ फोकस करें या फ्यूचर में आगे बढ़ने की कोशिश करें। और यहाँ पर आप शायद पिछले काफी समय से ऐसी जगह या ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जिसमें आप सेलिब्रेट नहीं कर पाए हैं लाइफ को, और आप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं पास्ट की एनर्जीज में, या फिर आप पास्ट की एनर्जीज में स्टक रहे हैं, या फिर आपको स्टक रखा गया है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें आर्टिफिशियल होती हैं। तो अगर आप खुद किसी के साथ में ये चीजें क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके साथ किसी ने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से आप आर्टिफिशियल एनर्जीज के अंदर कहीं ना कहीं फंसे रहे। क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड है, जब कभी रीडिंग आती है वैसे तो, लेकिन ये कार्ड बताता है कि बहुत ज्यादा डार्क एनर्जीज का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की एनर्जीज हैं कह रहे हैं कि आप बहुत समय से फाइट कर रहे हैं, या तो अपनी ही डार्कनेस से, या फिर आपके आसपास जो डार्कनेस क्रिएट की गई है आर्टिफिशियली उसके द्वारा, या आपके लिए कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, यानी कि किसी रिलेशनशिप की वजह से ये चीजें हो गई हैं, या फिर आप उस चीज को लेकर इतना सोच रहे हैं कि उसकी वजह से ये चीजें हो गई हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। आपके लिए कार्ड है एस ऑफ कॉइंस का, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ सोर्ट्स का। आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। बहुत सारी न्यू एनर्जीज हैं, यानी कि आप नए तरीके से, नए उत्साह के साथ अपने कामों को स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आप प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन से।
ओके, जजमेंट का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आप अपनी गलतियों से भी सीखेंगे, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको भी एनलाइटनमेंट हुआ है और आपको चीजें समझ में आई हैं, बहुत सारी स्ट्रेंथ लगी है आपकी चीजों से बाहर निकलने में। आप बहुत सारा रोई हैं पास्ट में, या फिर आप इन दिनों बहुत रोई हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत हैवी और डेंस एनर्जीज हैं आपके पाइल की, और ये कार्ड क्लियरली इस चीज को गाइड कर रहा है आपके लिए कि आप फाइनेंशियली कहीं ना कहीं स्टक रहे हैं और आप फाइनेंसिस की चीजों में बहुत चीज चेंज करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि शायद बहुत लोग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन की बात करते हैं, जहां पर आप वुंडेड भी होते हैं और यहाँ पर आपसे लोग लड़ भी रहे होते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी बहुत हैवी और डेंस एनर्जी की बता रहा है बात। तो कुल मिला के बात यहाँ पे कुछ ऐसी है कि आप चीजों में फ्लेक्सिबल रहे हैं डेफिनेटली, और आपने चीजों को चेंज करने की कोशिश की है। आर्चेंजल माइकल की एनर्जीज हैं तो आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे, और बहुत सारा एनलाइटनमेंट आपको मिला है, यानी कि अपनी सिचुएशन के बारे में बेहतर जानकारी आपको मिली है कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारी चीजें लाइट में आई हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो डेफिनेटली क्लैरिटी बहुत आई है आपके पास में कि कौन सी चीजें आपके लिए सही हैं और कौन सी चीजें आपके लिए सही नहीं है। ये चीजें आपके लिए बहुत क्लियर हुई हैं, नहीं हुई हैं तो आने वाले समय में होंगी, और आप अपने पास्ट से अपने फ्यूचर की तरफ जाएंगे और आप उस चीज में आगे बढ़ेंगे। वैसे मुझे लगता है कि आपने जीवन में जो भी गलतियां हुई हैं, या तो उनसे सीखा है, या फिर आपके साथ जो कोई कुछ गलत कर रहा था वो रोशनी में आया है और उससे आपको स्ट्रेंथ मिली है आगे बढ़ने के लिए, जब आपके सामने सिचुएशन क्लियर हो गई है। तो पेनफुल कार्ड है यहाँ पे, यानी कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको बहुत एक्सट्रीम पेन मिला है। तो अगर आपने किसी के साथ किसी को ये पेन नहीं दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये आपने किसी को दिया है तो फिर ये आपकी एनर्जीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेनफुल एनर्जीज हैं, ऐसी एनर्जीज जहां पर किसी को पेन मिला है। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों कार्ड हैं पेज के, और ये कार्ड है किंग का, ये तीनों ही कार्ड हैं कोर्ट कार्ड, और ये कार्ड क्लियरली इस बात को बता रहे हैं कि आप नए तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपसे कहा गया है कि आपको जो भी लोग टेंशन दे रहे हैं, या फिर आपको जो लोग भी परेशान कर रहे हैं या कर रहे थे, उनसे अलग होकर आपको अपनी जो स्पिरिचुअल टीम है उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए और एक पीस को यहाँ पर अपने लिए क्रिएट करना चाहिए। ये पीस की एनर्जीज हैं, ये आपको मिलेगा क्योंकि ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये न्यू आइडियाज की, न्यू अपॉर्चुनिटी की, न्यू एनर्जी की बात करता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। इन सभी कार्ड्स में एक अलग अलग कहानी टाइप की है, तो इसकी कहानी के अंदर तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने अपनी सोल के साथ में कनेक्ट हो, या आपकी सोल के अंदर आप क्या चाहते हैं उससे कनेक्ट हो, और अपना उत्साह बनाए रखें कि आपको आगे बढ़कर क्या करना है। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इमोशनली अपने आप को नर्चर करना है और साथ ही साथ अपनी जो भी ग्रोथ आपने करनी है उसकी तरफ फोकस करना है। आपके लिए एक टफ साइकिल का एंड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे नाइन का कार्ड है। आपकी रीडिंग के अंदर भी वॉन्ड्स के कार्ड बहुत सारे हैं, यानी कि ऊपर के कार्ड आपके भी वॉन्ट्स के हैं, ऑप्शन वन के सारे वॉन्ट्स के कार्ड थे, तो क्लैरिटी आ रही है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये आप खुद हो सकते हैं, किसी का सन मून राइजिंग हो सकता है, नॉर्थ नोड हो सकता है, तो ये एनर्जीज हैं यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज हैं, और वैसे तो कप की एनर्जीज भी हैं, एस ऑफ पेंटाकल्स की भी हैं, लेकिन एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जीज बहुत हैं। तो फायरी एनर्जीज हैं, या तो बहुत ज्यादा फायर और पैशन के साथ आप काम कर रहे हैं, या फिर आपको करना है, लेकिन पेनफुल एंडिंग है आपके लिए। यहाँ पे आपके लिए चीजें बदली हैं, और आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इस फुल मून इन एक्वेरियस से आपके लिए चीजें और भी बदलेंगी, बहुत सारी क्लैरिटी आएगी, इसलिए भी आपको पास्ट में छोड़ देना चाहिए, पास्ट को, और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आपको रियलाइजेशन करवाएगा आपकी खुद की गलतियों के लिए, और यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ मिलेगी उससे बाहर निकलने के लिए, यानी कि आपको अपनी गलतियों को सुधारने के लिए स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, या फिर आपको अगर कोई नई शुरुआत करनी होगी अपने जीवन की तो उसके लिए आपको स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले आपको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होगा, या आपसे कहीं क्या गलती हो रही थी, या आपके साथ क्या गलती की जा रही थी, इस बात का रियलाइजेशन आपको जरूर होगा। तो अभी शायद आप किसी चीज को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा स्टक एनर्जीज में हैं, पेनफुल एनर्जीज में हैं। एक्चुअली आप बहुत ज्यादा ट्रबल वाली या पेनफुल एनर्जीज में हैं, या आपकी इनर डिमोन्स हो सकते हैं जिनके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, या आपके लिए बाहर के कोई डिमोन्स हो सकते हैं जो कि आपके लिए क्रिएट किए गए हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको इस फुल मून में टोटली रिलीज करने के लिए मिलेगा आपको ये मौका, और आप आगे बढ़ेंगे और आपकी ग्रोथ भी जरूर होगी। तो एक बार थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगेन, इसका क्लैरिफिकेशन मैंने लिया था पेज ऑफ कप्स का। आपके साथ बहुत सारा शायद या तो धोखा हुआ है, या फिर आपको पेन दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही पेनफुल एनर्जीज हैं। ओके, तो आपके साथ शायद बहुत सारा स्ट्रगल वाला टाइम पीरियड चल रहा था या चल रहा है,
आपसे ये कहा गया है कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं और आपकी ग्रोथ हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, आप चीज़ों को दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उसको पास्ट में छोड़कर अब आगे बढ़ने का वक्त है। अगेन ये नाइन ऑफ कॉइंस का कार्ड है, तो आप जिस भी ट्रबल वाली सिचुएशन में हैं उससे बाहर निकलकर आप कुछ यहाँ पे एक कॉन्फिडेंट एनर्जी के साथ क्रिएट करेंगे। ये आपका फ्यूचर है इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। एस ऑफ वांड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो आपके लिए चीजें बदल रही हैं। कुल मिला के बात यह है कि आपकी लाइफ में आपके पास्ट की एनर्जीज मुझे नजर आ रही है, कुछ ही मामलों में आपके प्रेजेंट में भी हो सकती है, यानी कि ये चीजें आपके लिए एंड हो रही है क्योंकि यहाँ पे 10 का ये साइकिल आपका कम्प्लीट हो रहा है और आपको चीजों के बारे में समझ में आ रहा है कि आपको क्या कब कैसे करना था और आपको किस तरह से अपनी ग्रोथ करनी है वो आपकी जरूर होगी। इसलिए आपको निश्चिंत रहना है कि आपके लिए चीजें बदल रही हैं। कुछ मामलों में आपको क्लैरिटी मिल रही है, इसलिए आपको फ्यूचर में क्या करना है या फ्यूचर के लिए क्या करना है उसकी तरफ सोचना चाहिए। अपने कैरियर की तरफ आपको फोकस करना चाहिए या लाइफ को बेहतर बनाने की तरफ फोकस करना चाहिए। ये अगेन अपनी लाइफ के बारे में है, ये फुल मून पूरी तरह से आपकी अपनी लाइफ के बारे में है। आपने शायद अभी तक बहुत स्ट्रगल को फेस किया है और अगर आपने फेस किया है तो ये एनर्जीज आपकी हैं, और अगर आपने फेस किया है तो आपके लिए चीजें अब एंड हो रही हैं। यू हैव गॉट टाइम, ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आपके पास में ये प्रेजेंट मोमेंट है अपने अगले प्रेजेंट मोमेंट को बेहतर बनाने के लिए। आप अपने प्रेजेंट में क्या चॉइस कर रही हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, किस तरह से आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ, तो आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है और आपके पास स्ट्रेंथ भी पूरी है, तो इसलिए अपने आप को नर्चर करते हुए आगे बढ़ते जाइए और अपनी ग्रोथ कीजिए। आप अपने प्रेजेंट में क्या चूज कर रहे हैं इस फुल मून के टाइम में, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा असर रहेगा आपके आने वाले टाइम पीरियड में सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ हार्डवर्क। तो अगर आप किस चीज़ में हार्डवर्क कर रहे हैं डेफिनेटली पॉजिटिव वेज में, तो उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है और आपको जरूर मिलेगा, आपकी ग्रोथ होगी। या फिर आपके लिए चीज़ें अगर बहुत हार्ड रही हैं तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने रिजल्ट जो भी आपके लिए चाहिए था आपको वो आप लेंगे। समथिंग इज अबाउट टू हैपन, फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट, हो सकता है कि कोई आपकी सफलता को पसंद ना कर रहा हो या फिर किसी को ये सफलता आपकी पसंद ना आए और लोग आपके साथ बहस करें, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कुछ मामलों में ये इस तरह का भी है कि आपके लिए जो चीज़ें बदल रही हैं ना उसमें आपको ये समझ में आएगा कि आप कहीं ना कहीं इंटरनली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और ये बाहर से ज़्यादा आपका इंटरनल स्ट्रगल था, यानी कि बाहर से चीज़ें इतनी नहीं थी जितना कि आपके अंदर चल रही थी, यानी कि आपने सोच सोच के क्रिएट कर रखी थी। डोंट स्टक इन योर पास्ट, अगेन आपसे यही कहा गया है कि बहुत स्ट्रांग एनर्जीज हैं। अगर कोई इस चीज़ को समझ पाएं आप में से लोग कि अपने पास्ट की एनर्जी से आपको टोटली बाहर निकलना होगा, कट ऑफ करना होगा। अगर आप नहीं निकले या फिर आप बार बार उसी की तरफ जाते रहे, उसी में कुछ खोजते रहे अपने लिए, तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, तो अपने आप को नर्चर करते हुए आगे बढ़ना है, अपने ऊपर हार्श नहीं होना। जहां से शुरुआत आपको करनी है वहीं से आप कर सकते हैं। मान लीजिए कल तक आप बहुत प्रयास कर रहे थे किसी चीज के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी रिश्ते के लिए, किसी जॉब के लिए जो कि आपके पास्ट का हिस्सा है, आपको नहीं मिला, आप उसको रिलीज कीजिए। आप लाइफ में अपने ऊपर क्या करना है, अपने लिए क्या करना है, अपने अच्छे के लिए क्या करना है, उसकी तरफ फोकस कीजिए। ओके, स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू। टेस्टिंग टाइम, तो आप को ये टेस्टिंग टाइम कई लोगों के लिए चल भी रहा था, यानी कि आप क्या चॉइसेस कर रहे हैं, आप क्या चीज़ें चूज कर रहे हैं उसके आधार पर भी आपका फ्यूचर यहाँ पे डिसाइड होने वाला था या हो रहा है। तो आप क्या चॉइसेस कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, बुरी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। पुर योर हार्ट आउट, कम्युनिकेट, तो अगर किसी कम्युनिकेशन करने की जरूरत है जरूर कीजिए, और अगर कोई ऐसा कम्युनिकेशन है जो कि आपका नहीं हो पा रहा है या फिर वो नहीं हो सकता है तो उसको आप लेट गो कीजिए। लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स एंड मूव ऑन, अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखिए और मूव ऑन कीजिए फ्यूचर की तरफ ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो सके। देखिए यहाँ पे आपके लिए कहा गया है लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, डोंट स्टक इन योर पास्ट, लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पर आपसे पहले गलतियाँ हुई हैं उनको अब नहीं दोहराना है और इस फुल मून से अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आने हैं। तो हो कि मैसेजेस से आपको मदद मिले और कोई ना कोई ऐसी चीज जो कि आप छोड़ना चाहते थे वो आप छोड़ सकते हैं। अभी तक जो भी कुछ हुआ है आपसे उसको लेकर बार बार बहुत ज़्यादा सोचने से गिल्ट की फीलिंग आती है और उससे आप परेशान होते हैं, इसलिए इस सिचुएशन में लव को क्रिएट कीजिए, गुड विशेस दीजिए एक दूसरे को और आगे की तरफ बढ़ जाइए। और अगर किसी को नहीं है कोई गुड विशेस लेने देने वाला तो खुद को आप ब्लेस कीजिए, दूसरे पर्सन को ब्लेस कीजिए, सिचुएशन को ब्लेस कीजिए और आगे की तरफ बढ़ जाइए। आगे क्या करना है अपने जीवन में अच्छा अपने लिए क्रिएट, उसकी तरफ फोकस करना इंपॉर्टेंट है। तो होप कि इससे आपको मदद मिले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।